हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबाना है। क्यों दबाना है? क्योंकि इस देश के अंदर हम बदलाव चाह सकते हैं। हम कांग्रेस से परेशान हो गए। कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई, कांग्रेस ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। हम परेशान हो गए और हमने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को वोट दिया साथियों। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कहा मोदी जी ने 100 साल में महंगाई कम कर दी, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। साथियों महंगाई 4 गुना बढ़ गई। मोदी जी ने कहा महंगाई कम कर देंगे 100 दिनों के अंदर, लेकिन पेट्रोल 90 के पार हो गया, 90 के 95 के पार हो गया। साथियों बीजेपी ने कहा हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां निकालेंगे। साथियों एक भी रोजगार नहीं दिया। जब मोदी जी को पूछा, जब प्रधानमंत्री जी को पूछा कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, तो मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलो, मोदी जी कहते हैं चाय बेचो, क्योंकि मैंने भी चाय बेचा। साथियों हमारे बाल बच्चे MBA हो गए और वो MBA पढ़े हुए आदमी को, MBA करे हुए बच्चों को कह रहे हैं कि पकोड़े बेचो। साथियों नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है वो कहते हैं पंचर बनाओ, वो आपके बच्चों को, इस देश के SC ST OBC के बच्चों को बता रहे हैं कि जो पंचर बनाओ। साथियों हमें हमारी औकात बता रहे हैं कि तुम पटेल नहीं हो, तुम्हारे कोई बाड़े नहीं है, तुमने पंचर बनाना चाहिए, तुमने पंचर बनाना चाहिए, तुमने पकौड़े तलना चाहिए, तुमने चाय बेचना चाहिए। साथियों बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है बहन मायावती जी की, तो सबसे पहले रोजगार देती है, सबसे पहले रोजगार देती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी का रोजगार हो, चाहे वो शिक्षकों का रोजगार हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों का रोजगार हो, अलग अलग प्रकार के रोजगार देती है, उद्योग धंधों को बढ़ावा देती है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। साथियों आपके काम धाम में कोई अस्पताल होगा तो कहना कभी राष्ट्रवादी के नेताओं से आके जरा इलाज कराए। साथियों वो यहाँ पर इलाज नहीं कराएंगे, कामठा में इलाज नहीं कराएंगे, वो इलाज कराने विदेश जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल जी से कहना अगर तुम्हारी बीवी बीमार हो जाए तो कामठा के अस्पताल में आके देखो, यहाँ की दवाई लेकर देखो, नहीं लेंगे। आपके कामठा में जो पानी मिलता है वो पानी कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को पिलाकर देखना, उनका ड्राइवर पहले पानी की बोतल लेकर आता है, तुम्हारे गांव का पानी नहीं पीता, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो पीने लायक नहीं है। इतने सालों से हम कांग्रेस बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन आज हमको अच्छा पानी, शुद्ध पानी हमको अवेलेबल नहीं हो रहा है, शुद्ध पानी हमको नहीं मिल रहा है। अस्पतालों की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, ये मुझसे अच्छा आप जानते हो। 1300 स्कूल है महाराष्ट्र के अंदर बंद कर दिए, कॉलेज स्कूल है बंद कर दिए, जिला परिषद की, जिला परिषद के स्कूल में प्रफुल्ल पटेल के बच्चे पढ़ते हैं क्या, गोपाल अग्रवाल के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं क्या, कटरे के घर के बच्चे पढ़ते हैं, गौतम के घर के बच्चे पढ़ते हैं, भीषण के बच्चे पढ़ते हैं, मेश्राम के बच्चे पढ़ते हैं, अग्रवाल के बच्चे नहीं पढ़ते, गोपाल अग्रवाल के परिवार के नहीं पढ़ते, विनोद अग्रवाल के परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते। और ये स्कूलें अगर बंद हो जाएगी तो किसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? ये कटरे के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये बिसान के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये गौतम के घर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और इसीलिए ये स्कूलें बंद हो रही हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के SC ST के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिलना चाहिए करके लगा दी, लेकिन इस देश में जिनकी जिनकी आपने सरकारें बनाए हो उन्होंने तुम्हारे बच्चों की रोजी रोटी तक नहीं तो शिक्षा भी बंद कराने का काम किया है, रोजी रोटी के साथ साथ शिक्षा भी छीनने का काम किया है। साथियों जिन्होंने ना हमको शुद्ध पानी दिया, ना हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया, ना हमको अच्छा स्वास्थ्य केंद्र दिया, और इसके बाद भी अगर हम आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, राष्ट्रवादी बीजेपी, बीजेपी शिवसेना अगर ऐसा करते रहे तो साथियों हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस देश के संविधान का कहना है पहले पूरे OBC को ढूंढो, उनकी गिनती करो,
की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ओबीसी के सम्मान में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। कांग्रेस ने ओबीसी की गिनती नहीं की, बीजेपी ने लगा बीजेपी कर लेगी, क्योंकि मोदी जी ने नारा लगाया मैं ओबीसी का बेटा हूँ, मैं ओबीसी का बच्चा हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, मेरे को संसद में बैठाओ। साथियों, हमारे ओबीसी भाइयों ने, एक एक ओबीसी भाई ने चुन चुन कर उनको वोट दिया, लेकिन ओबीसी की जैसी समस्या थी वैसी समस्या आज भी है। जितनी स्कॉलरशिप हमको ओबीसी के मिलते थे आज वो भी बंद हो गई, ओबीसी की बंद हो गई, आदिवासी की बंद हो गई, शेड्यूल कास्ट की बंद हो गई, तमाम लोगों की स्कॉलरशिप बंद हो गई। आप बड़े बड़े कॉलेजों में जाओ, अब आपके पास या तो एक दो एकड़ जमीन होना ताकि आप बेच कर पैसा आए तब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है, अगर तुम्हारे बाप दादाओं के पास पैसा नहीं है, तो अब हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। किसके राज में? ये बीजेपी के राज में। इस देश में सबसे ज्यादा अगर अन्याय अत्याचार किसी के ऊपर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी पर हुआ है, चाहे फिर वो तैली हो, माली हो, धनगर हो, सुतार हो, पवार हो, लोधी हो, तमाम ओबीसी के ऊपर इस देश के अंदर अन्याय अत्याचार होते आया है। अगर हम ओबीसी के लोग अब 2019 में नहीं जागेंगे तो साथियों आने वाला समय और हमारे अपने बच्चे हमको कभी माफ नहीं करेंगे। और इसी ओबीसी के सम्मान में, इसी ओबीसी लोगों के सम्मान में, इसी ओबीसी समाज के समस्या को निवारण करने के लिए हमारी डॉक्टर विजयाताई नंदूरकर जो पेशे से डॉक्टर है और ओबीसी समाज से आते हैं, उनका कहना है मैं अपने समाज की बेटियों का, मैं अपने समाज के बेटों का, मैं अपने समाज के लोगों का तमाम समस्याओं को हल करने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगी। साथियों, संसद में आवाज उठाने के लिए विजयाताई नंदूरकर ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहब और शाहू महाराज इनके हाथी चुनाव चिन्ह पर सवार हो गई है। और इसीलिए साथियों, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आने वाला 2019 के चुनाव में आने वाले 11 तारीख को आपको डॉक्टर विजयाताई को संसद में पहुंचाना पड़ेगा। ये इसलिए पहुंचाना पड़ेगा, कांग्रेस बीजेपी ने जो धोखा दिया उसका आपको बदला लेना पड़ेगा। आज कांग्रेस बीजेपी की वजह से ये जो बेरोजगारी बढ़ी, ये जो कांग्रेस बीजेपी की वजह से ये जो महंगाई बढ़ी, इसका मुंहतोड़ जवाब हमको वोट के अधिकार से देना होगा। साथियों, 100-500 में अपना वोट का अधिकार नहीं बेच रहा, ये बीवी बच्चों की तरह अपने बेटी और बहू की इज्जत की तरह वोट के अधिकार का इस्तेमाल करो। साथियों, वोट के अधिकार को नहीं बेचा और डॉक्टर विजयाताई नंदूरकर के बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबाकर विजयाताई नंदूरकर को आप विजयी बनाए, इसी आशा उम्मीद के साथ यही अपील करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय फूले, जय शाहू, जय ओबीसी, जय संविधान।